is to achieve goals for others. हम अक्सर अपने goals achieve करने की बात करते हैं, पर औरों के goals का क्या? दोस्तों, ये तो हम सब समझते हैं कि जितना हमारे goals हमारे लिए important हैं, उतना ही औरों के goals उनके लिए importance रखते हैं। तो क्यों ना आज हम इस बारे में बात करें कि हम ऐसा क्या-क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने friends, husband, wife या भाई बहन को उनके goals achieve करने में help कर सकें। Simplicity के लिए मैं friends, husband, wife, भाई बहन इन सभी को goal seeker कहकर ही address करूँगा। तो आइए देखते हैं इन तरीकों को। One, encourage करके। जब कोई किसी गोल को पर्स्यू कर रहा होता है तो कभी कभी उसके अंदर सेल्फ डाउट आने लगते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो एच। और ऐसे में अगर हम उसका सेल्फ डाउट दूर कर सके, उसका उत्साह वर्धन कर सके, तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। एनकरेज कैसे किया जाए? वन, एनकरेजिंग वर्ड्स बोल के। टू, मोटिवेशन बुक्स गिफ्ट करके। 3. Inspirational sites. 4. YouTube पर motivational videos suggest करके. 5. Real life success के examples देकर. 2. Free time देकर. समय कितना कीमती है ये हम सब जानते हैं. किसी भी काम को करने के लिए कुछ और लगे नहीं लगे समय तो लगता ही है, कम या ज्यादा. तो अगर हम अपने गोल सीकर का समय बचा पाएं तो डेफिनेटली वो इस समय को अपने गोल्स अचीव करने में लगा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका भाई किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और कुछ रोजमर्रा के काम उसके सर बंधे हैं, तो वॉलंटरली आप वो काम उससे ले सकते हैं। ऐसा करना ना सिर्फ उसका समय बचाएगा बल्कि उसे ये भी फील करा देगा कि आप उसके साथ हैं और उसे सफल होते देखना चाहते हैं, और ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, isn't it? 3. एकांत देकर। ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव तब होते हैं जब वो अकेले काम कर रहे होते हैं। तो यदि आप अपने गोल सीकर की मदद करना चाहते हैं तो उसे एकांत देकर भी कर सकते हैं। खास तौर से मिडिल क्लास फैमिलीज और हॉस्टल में रह रहे या आपने घर से बाहर रहकर कुछ कर रहे लोगों के पास अपने लिए सेपरेट रूम्स नहीं होते। ऐसे में कई बार काम पर कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम काम के वक्त डिस्टरबेंस मिनिमाइज कर सके तो मेरी समझ से ये भी एक बड़ा सपोर्ट होगा। फोर, फोर्स ना करके। कई बार ऐसा होता है कि हमारा गोल सीकर अपने गोल्स परस्यू करने में लगा होता है, ऐसे में हम जाते हैं और उसे अपने साथ मूवी देखने या मार्केट चलने के लिए फोर्स करने लगते हैं। ये गलत है। एक बार पूछ लेना ठीक है, पर अगर सामने वाला नहीं कह देता है या उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग जाता है कि वो नहीं जाना चाहता, तो उसे फोर्स नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली उस समय हमें लगता है कि आधे एक घंटे में क्या चला जाता है, पर हकीकत में एक बार जब कुछ करने की वे टूट जाती है तो कई बार पूरा दिन भी खराब हो जाता है। दैट्स वाई वी शुड नॉट फोर्स एनीबडी टू एकम्पनी अस। 5. चुप रह कर। कई बार हमारा गोल सीकर जो कर रहा होता है हम उससे कन्विंस नहीं होते, क्योंकि शायद हम उस गोल को खुद अचीवेबल नहीं मानते, इसलिए इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कोई और उसे कैसे अचीव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हीरो बनना चाहता है तो हमें वो एक असंभव सा काम लग सकता है। नेचुरली, चूंकि हम अपने गोल सीकर को फेल होते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए उसे ऐसा करने से रोकते हैं, डिस्करेज करते हैं। अगर वो डिस्करेज हो जाता है और ये काम छोड़ देता है तो ठीक है, क्लियर हो जाता है कि उसमें वो आपकी ही नहीं, पर अगर आपके बार बार समझाने के बाद भी वो इस गोल में लगा रहता है तो आपको चुप हो जाना चाहिए।
क्योंकि कई बार जितना आप बोलकर एनकरेज नहीं कर सकते उतना चुप रह कर कर जाते हैं। छह, छोटे मोटे झगड़े अवॉइड करके। ये पॉइंट बेसिकली हस्बैंड वाइफ रिलेशन को लेकर है। किसी ने कहा है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके बीच चुड्डे नहीं होते तो कहीं चेक करा लीजिए कि क्या आप सचमुच हस्बैंड वाइफ हैं। बात मजाकिया है लेकिन सच है। हस्बैंड वाइफ के बीच आए दिन नोक झोंक होती रहती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी इस बात पर यकीन कर लीजिए क्योंकि ये एक हस्बैंड कह रहा है। और ये भी समझ लीजिए कि इन झगड़ों का लव या अरेंज मैरिज से कोई लेना देना नहीं है। ये तो होते ही होते हैं, पर इन छोटे झगड़ों के नुकसान बड़े होते हैं। रूठने मनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और घर का माहौल भी काफ़ी समय तक नेगेटिव हो जाता है और इस दौरान और हमारी प्रोडक्टिविटी नीम हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने स्पाउस को गोल अचीव करने में हेल्प करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ, ये जानते हुए भी कि आप सही है और वो गलत है, आप उसे अपनी गलती मान सकते हैं और मामला वहीं राफ दाफा कर सकते हैं। ऐसा करने से घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा और ये आपके गोल सीकर को गोल्स अचीव करने में बहुत हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, जो बातें मैंने शेयर की है वो बड़ी सिंपल सी है, पर अगर हम इनमें से कुछ एक भी फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने गोल सीकर को एक अच्छा सपोर्ट दे पाएंगे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सक्सेस में भागीदार बन पाएंगे। और हम यही तो चाहते हैं, isn't it? तो चलिए हम अपने गोल सीकर्स की हेल्प करते हैं और अपने साथ साथ करते हैं तैयारी उनके भी जीत की।